हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों मैं नवंबर स्टोरी देख रहा था हॉटस्टार पर बोरिंग स्टोरी लगा दोस्तों यार बोर हो गया मैं देख देख के देखने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली मैं आई जस्ट फिनिश्ड थ्री एपिसोड एपिसोड तीसरा के बीच में एक्चुअली वो तीसरा एपिसोड भी खत्म नहीं किया तीसरा एपिसोड के बीच में मैं बोर हो गया इतना कि मैं बोला भाई आगे मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूँ आप जब एक थ्रिलर डन इट बनाते हो उसको आपको रेसी और पेसी रखना चाहिए मतलब फास्ट पेस्ड रखना चाहिए राइट फ्रॉम द वर्ड गो यू शुड एंगेज योर ऑडियंस ऑडियंस को इतना प्रोत्साहित करो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि वो गुल मिल जाए कहानी में ऑडियंस को टेंटर हुक्स पर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रखो वो टेंशन भरा माहौल इन अ फास्ट पेस्ड अंदाज आप जब दिखाओगे तो ही वो थ्रिलिंग बनेगा तो ही वो एक्साइटिंग बनेगा अब इसमें दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है इनका वो कॉन्सेप्ट वो जो आइडिया वो मेरे को अच्छा लगा इट्स अबाउट अ क्राइम नॉवलिस्ट हु इज तमन्नास फादर एंड ईज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स तो एक दिन वो एक क्राइम सीन पे मर्डर सीन पे पाया जाता है तो वो कैसे पहुंचा वहां पे मर्डर किसका हुआ है किसने किया इनको कुछ मेमोरी नहीं है उसका तो अब तमन्ना उनके डैड को कैसे बचाती है दैट इज व्हाट द सीरीज इज ऑल अबाउट अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है किक स्टार्टेड विद दिस ब्रीफ आइडिया पहला सीक्वेंस में स्टेब्लिश करना चाहिए था ये चीज पहला एपिसोड में अगर आप देखोगे ये मेन कॉन्सेप्ट पे मेन पॉइंट पे पहुंचने के लिए पूरा पहला एपिसोड लगा देता है पहला एपिसोड में क्या चल रहा है स्टार्टिंग में एक एक्सीडेंट वाला सीन दिखाता है तो आपको ऐसा लगेगा भाई अभी कुछ तो होगा कुछ तो दिखेगा लेकिन वो क्या सीन है क्या नहीं है वो मालूम पड़ने से पहले वो सीन खत्म खत्म है और 2019 उसके बाद आप देखते हो ethical hacking वाला एक तमन्ना यार देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया और उसके बाद हाउस फॉर सेल हाउस फॉर सेल का वो चलता रहता है नॉनसेंस वॉज वेरी वेरी सिली टू वॉच यार इट वॉज वेरी बोरिंग टू वॉच वो हाउस फॉर सेल का दिखा रहे हो तुम यार एज अ व्यूअर आप थ्रिलर देख रहे हो तो थ्रिल नहीं मिलता है ना फिर उसके बाद बाई द टाइम दे अराइव एट द मेन पॉइंट यू आर ऑलरेडी बोर्ड पहला एपिसोड खत्म होने के कगार पे लाके दिखाते वो मेन पॉइंट यार तब तक तो बोर हो गया इतना फिर मतलब बात ही नहीं बनता है और उसके बाद सेकंड एपिसोड जिस तरह से शुरू हुआ उसमें थोड़ा वो एक थ्रिल नजर आया वो ऑटोपसी एक्सपर्ट जब अपना एक्सपर्ट दे रहा था बट अगेन द वे इट इज शॉर्ट नो दोस्तों यार बहुत ही स्लो पेस्ड अंदाज था इट वॉज वेरी लेट बैक इवन द बीजीएम इनफैक्ट थ्रिलर में बीजेएम का बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्व होता है सिग्निफिक रोल प्ले करने का होता है बीजीएम को बट बीजीएम भी इसमें मजेदार नहीं था सो एवरीथिंग दैट प्लेड आउट प्लेड आउट इन ए वेरी लाउजी मैनर विच डिन मेक इट अपीलिंग टू वॉच एंड तीसरा एपिसोड में देख रहा था तीसरा एपिसोड कुछ क्या फ्लैशेस करके कुछ है एपिसोड का शायद टाइटल यार <laughs> मैं, मैं बोर हो गया दोस्तों यार यार तमन्ना बड़ी right एक्ट्रेस है, है तो वैसा मत चुनो the only good thing, perhaps, in this entire series was थिंग तमन्ना शी looked गुड अच्छा लगा उनका उनको देखने के लिए स्क्रीन पर बट अदरवाइज रोल वाइज यार ओके okay, ओके okay. आई वॉज नॉट इम्प्रेस दोस्तों आई एम गोइंग विथ वन स्टार फॉर तमन्ना तमन्ना ने लास्ट टाइम भी एक वेब uh, सीरीज किया था वो भी मज़े, मज़ेदार नहीं था यार अगेन स्क्रिप्ट लेट तमन्ना एंड व्यूवर्स डाउन इन दी अर्लियर वेब सीरीज एंड इसमें भी मुझे तो स्क्रिप्ट लेट मी डाउन ईयर राइटिंग वेरी 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 लवजी वेरी बैड वेरी बोरिंग राइटिंग वन स्टार दैट्स माई राइटिंग फॉर नवम्बर स्टोरी विच टर्न आउट टू बी अ बोरिंग स्टोरी अगर आपने देखा है नवंबर स्टोरी तो मुझे लिखकर बताना आपका क्या टेक है इस सीरीज को लेकर चलिए दोस्तों फॉर द दो मोमेंट टाटा